हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते प्रणाम। जैसे कि आप देख रहे हो, पहाड़ी पालक है तो इसी से मैं बनाने जा रही हूँ आज कापली भात। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये जो पालक है, बेसिकली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। हम लोगों के घरों के आसपास जो सब्ज़ी वाले आते हैं उनके पास ये बहुत कम दिखता है, तो कभी कभी अगर अचानक आ जाए तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ। तो ये बिल्कुल पहाड़ी पालक है। एक तो देसी पालक होता है जो हम लोग अक्सर लेते हैं, पर ये वो नहीं है, पहाड़ी पालक है और बहुत ही स्वाद बनता है। तो चलिए आज इसकी डिश मैं बनाती हूँ चावल के साथ, तो जिसको बोलते हैं कापली भात। तो चलो इसको बनाने की मैं तैयारी करती हूँ, और इसमें मैं क्या क्या सामान डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ी पालक की कापली, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए 4-5 साबुत लाल मिर्च और साबुत जीरा, सरसों का दाना और 2 प्याज मैंने मोटे मोटे काट दिए हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने पेस्ट बना के रख दिया। ये इसमें डालूँगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो सबसे पहले मैं ये जो साबुत लाल मिर्च है इनको तेल में फ्राई करके रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी होती है ये हरे साग के साथ। इनको मैं निकाल के साइड कर देती हूँ, और अब इसी तेल में मैं तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले तेल तो पहले हमारा गरम है, तो इसमें मैं डालूंगी साबुत जीरा और सरसों का दाना। तो थोड़ा सा ये चटक जाए फिर मैं इसमें डालती हूँ बारीक कटे हुए जो मैंने 2 प्याज काट के रखे हैं वो इसमें डालूंगी। और प्याज के साथ आपको जो ये हरे हरे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये प्याज के ऊपर जो कभी कभी छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं ये वो हैं, तो ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और इसके साथ बन रहे हैं मेरे चावल कापली भात। तो ये प्याज हमारा लगभग हल्का ब्राउन हो गया है, इसके साथ मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालो तो सब्ज़ी का स्वाद जो है ना 4 गुना बढ़ जाता है, तो मैं तो पेस्ट ही डालने की कोशिश करती हूँ टुकड़े, क्योंकि डालो तो अदरक और लहसुन के पीसेस मुँह में आ जाते हैं, तो पेस्ट बना के डालो तो बहुत ही अच्छी एक जो है ना खुशबू और टेस्ट वो आता है। तो चलिए इसके लिए कुछ मसाले मैं बनाती हूँ। नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको पसंद हो। 1 चम्मच डालती हूँ मैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। हरा साग है तो हल्दी तो पड़ती नहीं, पर हल्दी डालना शुभ माना जाता है तो मैं हल्दी ज़रूर डालूँगी, छोटा सा 1/2 चम्मच। तो ये इसके लिए मसाले हैं। तो इधर हमारा प्याज अदरक लहसुन भी लगभग रेडी हो चुका है, तो जो मैंने मसाले रखे हैं उसमें मैंने पानी मिला दिया, क्योंकि सूखे हैं ना तो जल सकते हैं, तो पानी मिला दिया। अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए पानी के साथ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो हरा साग है, इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। हरा साग जो होता है इसकी अपनी अलग एक जो फ्लेवर होता है ना वो इसमें आएगा, टमाटर की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये मसाला हमने थोड़ा सा भूनना है, इसमें से तेल सेपरेट हो जाए, इतना हमने इसको भूनना है। तो यकीन मानो जो ये पहाड़ी पालक है ना बहुत ही स्वाद बनता है। अगर आपको कहीं भी मिले तो ज़रूर इसको लेके बनाने की तैयारी करें आप भी। जब भी आपको कहीं मिले तो ज़रूर बनाने की कोशिश करना, बहुत स्वाद बनता है। देसी पालक इतना स्वाद नहीं होता जितना ये पहाड़ी पालक होता है। तो ये पालक मैंने अच्छे से धो के और इसको उबाल दिया है, थोड़ा सा 10 मिनट उबाल के इसको मैंने बारीक मिक्सी में पीस दिया है। तो ये देखो बहुत ही सुंदर पिसा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मिला मेरे को, तो ये थोड़े में ही मैं आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वाले इसको बहुत कम लेके आते हैं। तो इधर हमारा मसाला भी लगभग रेडी हो गया है। तो हमारे यहाँ पे जो सब्ज़ी वाले भैया लोग आते हैं वो कहते हैं ये पहाड़ी पालक होता है, ये हमें भी बड़ी मुश्किल से मिलता है मंडी में, तो अगर बाई दी गलती से लेके आ जाए ना तो लोग छोड़ते नहीं, फटाफट लोग ख़रीद लेते हैं। तो मैंने भी आज ले लिया। तो ये मसाला मेरा लगभग रेडी हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ पालक, पहाड़ी पालक। तो इसकी तो बात ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता ही है सच में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देखो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग
और ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालूँगी, जितना भी गाढ़ा पतला, अगर आपको बनाना तो अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हो। तो मैं तो इतना बनाऊँगी इसको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पालक की जो क्वांटिटी है वो भी कम है तो पानी भी कम ही डलेगा। तो इसको अच्छे से मैं मिला के 2 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। और इसके लिए मैंने हरा धनिया भी साइड में रखा हुआ है काट के। थोड़ा 2 मिनट पकने के बाद इसमें हरा धनिया भी मैं डालूँगी, वो सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि साग तो हमारा ऑलरेडी हरा है तो हरा तो दिखेगा नहीं ना धनिया, तो सिर्फ खुशबू के लिए मैं इसमें डालूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आएगी हरा धनिया की। तो इसको 2 मिनट ढक देते हैं। तो देखो 2 मिनट के बाद हमारा जो हरा साग एकदम रेडी है, और इसमें मैंने बोला था ना हरा धनिया मैंने काट के रखा है वो भी मैं इसमें डालूँगी। और ये लगभग पक के रेडी हो चुका है, बस धनिया को 1 मिनट पकाना है ताकि हमारे जो देसी पालक, पहाड़ी पालक है, उसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए धनिया की। तो चलिए 1 मिनट ढका देते हैं और हमारा पालक लगभग तैयार हो चुका है। तो ये देखो लगभग तैयार हो गया खाने के लिए। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा पतला बना है क्योंकि पालक बहुत कम था, तो चलो बहुत टेस्टी होएगा वैसे भी। तो ये देखो सर्व करते हैं, ये देखो बहुत ही सुंदर बना है। और इसमें जो हरा धनिया डाला था ना मैंने, वो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऊपर से। तो ये देखो चावल के साथ, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।